गाड़ी ने होता है ना किसी से कपड़े धोने के बाद निचोड़ नहीं देते, वो सीन हो गया हमारा उस गाड़ी में बैठ के, इधर उधर ही इतना हिल गया भाई दिमाग, पागल वाली हालत होगी हमारी। तो वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। और अभी का सीन ये है यार, हम फटाफट नहा धो के रेडी होके लंच करने आए हैं, और हम आज बहुत लेट उठे हैं क्योंकि हमें रात को जगना है आज, तो हम क्रूज पे जाने की प्लानिंग कर रहे हैं बेसिकली। पैसा ही पैसा हो गया, तो अभी लंच वंच करके देखते हैं यार, स्कूटी वगैरह लेंगे और फिर थोड़ा बहुत इधर उधर घूम के रात को जाएंगे क्रूज पे। तो यार कभी कभी ऐसा होता है ना कि जब कहीं ट्रिप पे जाते हैं और मतलब 3-4 दिन हो गए, बहुत दबा के मजे भी कर लिए, सही बढ़िया हो गया, फिर घर की याद आने लग जाती है, मुझे अपने घर जाना है के नहीं घर। अब जैसे मेरे को दिल्ली का खाना, मैं लास्ट टाइम जब गया था मेरे को दिल्ली का खाना इतना याद आ रहा था, गोवा में ऐसा कुछ नहीं होता, घर जाने का मन नहीं करता, घर की याद भी नहीं आती, ऐसा लगता है यहीं पर पड़े रहो, प्रॉपर रिटायरमेंट प्लान टाइप की जगह है ये। तो गाइस आज का प्लान कुछ ऐसा है, आज हम करेंगे रेस्ट थोड़ा सा, कल फिर हम निकल रहे हैं जल्दी दूध सागर के लिए। तो यार यहाँ पे इतने मज़े आ रहे हैं ना मैं बता नहीं सकता, और मतलब इतने ज़्यादा मज़े में ना मैं इमोशनल हो गया थोड़ा सा, तो वो एक अलग बात है, बट कल हम निकलेंगे। क्या पीछे का पीछे देखो पीछे तो कल हम जाएंगे दूध सागर, और उसके बाद देखते रहूँ, मेरे को देख लो क्या कर रहे थे दिखाइए। मतलब एक चीज़ और मैंने देखी है कि इस बार एक बहुत अच्छी चीज़ हुई है, जैसे अननोन लोग होते हैं तो घुल मिल नहीं पाते इतना जल्दी आपस में, हम लोग बहुत सही गेटे लोग हो गए, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बिल्कुल पीसफुली अपनी ट्रिप कट रही है प्यार से, और आपस में मतलब शांति से रहते हैं, कोई लड़ाई झगड़े के तो साले का खोपड़ी तोड़, खोपड़ी तोड़ साले का। That rhythm. तो गाइस सीन कुछ अब ऐसा है, आज रात को हमारा एकदम से मूड हुआ फ्लिप और हम आ गए हैं, मैं दिखाता हूँ आपको, इधर डेल्टिन रॉयल, आज करेंगे मंजा, आज जाएंगे कसिनो। जा बेटा जा, तो मैं अंदर ही मिलता हूँ आपसे। तो हे गाइस इट्स डे 5, पांचवा दिन है, छठा दिन है, क्या गुंडा बनेगा रे तू, डे 5 इन गोवा। हाँ डे 5 इन गोवा, और यार कल कैसीनो गए थे तो दबा के मजे करे भाई वहाँ पे, नहीं मैं नहीं मानता, दबा के मजे करे, बस वहाँ पे अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी अलाउड नहीं थी, तो ज़्यादा मैं फुटेज शूट नहीं कर पाया। तो अब आज का सीन कुछ खास है नहीं यार, उठे हैं सबकी फटी पड़ी है, अब 4-5 दिन से ना कुछ करे ही जा रहे हैं, तो हिम्मत नाम की चीज़ है ही नहीं शरीर में, उसने साथ छोड़ दिया है अभी, तो आज हम थोड़ा सा रेस्ट करके कल प्रोबेबली सुबह सुबह निकलेंगे दूध सागर, और दूध सागर वाटरफॉल्स पे घूम के इस ट्रिप को हम करेंगे एंड वहाँ से, नहीं दूध सागर के बाद एक और दिन है। तो दूध सागर के बाद एक और दिन है, उस दिन वो घर वालों के लिए शॉपिंग वगैरह करेंगे, और उसके बाद हम यहाँ से होंगे रवाना। तो देखते हैं यार आज का क्या, शायद आपको प्रोबेबली कल का और आज का व्लॉग एक ही साथ देखने को मिलेगा, क्योंकि ज़्यादा कुछ शूट किया नहीं मैंने, तो देखते हैं हाथ मार। तो गाइज वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग गाइज, तो हे व्लॉग वेलकम बैक टू द गाइज। अबे साले, तो अभी का सीनियर है सैम, सारे नहा धो के तैयार हो गए हैं, हमें दूध सागर के लिए निकलना है, मुश्किल से 4 घंटे की नींद मिली होगी, तो वहाँ के लिए जल्दी निकलना था। अब हमने एक वो विंगर बुक कर रखी है, टेम्पो ट्रैवलर का छोटा भाई, हमारे मतलब आपको मत सिखा, तो उसमें बैठ के सोएंगे, और ये मैं हूँ, ये मेरे दोस्त हैं, और ये हमारी पार्टी हो रही है। तो गाइस अभी हम बीच में रुके हैं कुछ थोड़ा सामान वामान लेने, खाने का भूख लग रही थी सबको दोबारा से, अभी खाया था, सुअर हो रहा हूँ मैं अभी, भूख लगे जा रही है मेरे को, अजीब जानवर है कितना भी खाए फूका ही रहता है। अभी दूध सागर पहुंचने में हमें लगा कितना टाइम और लगेगा,
डेढ़ घंटा और लगेगा, तो डेढ़ घंटा अभी है, उसके बाद तो नजारे ही नजारे हैं। I'm not interested यार। एक ये बंदा नॉर्मल भी खड़ा रहता है ना, मेरे को डिप्रेशन आने लग जाता है। क्यों भाई, थोड़ा हंस लिया कर, हंस के दिखाइयो एक बार। मैं नहीं दिखाऊंगा। डिप्रेशन है, ये बंदा सांस लेता है ना, ये बंदा सांस लेता है और मेरे को डिप्रेशन आ जाता है अंदर से। क्या हो रहा है ये क्या हो रहा। यार अभी हमारी बस टिकट विकेट हुई है और सफारी हमने स्टार्ट करी है, और विक्स की गोली लो, सफारी स्टार्ट करी है और बहुत ही तगड़ा उबड़ खाबड़ रास्ता है। मैं मतलब ऐसे समझ नहीं आएगा, आपको दिखाता हूँ। अभी ये लाइन से सारी जीप्स लगी हुई हैं और अभी टाइम लगेगा, तो इतने हम सोच रहे हैं हम थोड़ा फोटो शूट कर लें। फोटो शूट करेगा ये लड़का, चुप हो जा सातवीं फेल। तो हम इतने फोटो शूट करेंगे अपना, और ये बोल रहे हैं 5-10 मिनट कैसे लगेगी, उसके बाद फिर फुल उबड़ खाबड़ रास्ता ढिचू करते हो जाएंगे। हैं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग हमारे लिए रुके हैं, फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे हैं। हमारे चार लोग हमारे मिसिंग है, तो वो देखते हैं क्या सीन है। वो तो कुछ भी कर सकता है भाई, वो गॉड है भाई। अगर एक बाप का है तो, अगर माँ का दूध पिया है तो, अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो, अदरवाइज कोई सीन नहीं है, कोई सीन नहीं है अदरवाइज। तो भाई अभी कर रहे हैं यहाँ पे टाइम पास यार, इतने फाटक नहीं खुलता और हम आगे नहीं बढ़ते, इतनी तो फोटो भी नहीं खिंचानी आती। चुप रहना यार। क्यों, एक ऐसी फीलिंग आ रही है कि इस घर के आगे बहुत अच्छी अच्छी फोटो आएंगी। बहुत मनोहर लग रहा हूँ, तो मैं ढूंढता हूँ इस घर के आगे अच्छी फोटो आएंगी ना। बिल्कुल आएंगी, तो खींच दे। अभी यहाँ पे एक पार्क है, हम उसमें आए हुए हैं और देखो मेरे को क्या दिख रहा है, हिरण। यहाँ पे सलमान भाई आगे तो ये नहीं मिलेगा। मस्त जोक मारा रे। यार अभी जैसे तैसे ना हम इतने उबड़ खाबड़ रस्ते, उस गाड़ी ने होता है ना जैसे कपड़े धोने के बाद निचोड़ नहीं देते, वो सीन हो गया हमारा। उस गाड़ी में बैठ के इधर उधर ही इतना हिल गया भाई, दिमाग पागल वाली हालत होगी हमारी। तो अभी थोड़ा, अब जहाँ तक हमको जीत ने छोड़ा है उसके बाद हमें थोड़ा बहुत ट्रैक करके आगे जाना है, तो वो कर रहे हैं। मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ ट्रैकिंग का, ये ट्रैक का रास्ता है और ये ले पकड़, ये ट्रैक करके जाएंगे तब हम आगे पहुँचेंगे, तो तभी मैं आपको दिखा पाऊंगा ना। अभी हमें यहाँ से चल के उधर से 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 आगे जाना है। साले मैंने कुछ पूछा? अच्छे नजारों के लिए क्या क्या करना पड़ता है इंसान को।
और अभी है मेरे आगे कुछ खतरनाक चीज, अगर मेरे आगे वाले लोग चलेंगे तो मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखो मैं दिखाता हूँ, मरा 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 till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us. क्या मतलब view है ना आपका, उसमें कैमरा justify भी नहीं कर सकता. No, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways. Till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the wastelands, through the highways. And on we'll go. बहुत सारी भीड़, ऐसा लग रहा है पाली का बाजार आ गया मैं, बट झरना इज नाइस। तो भाई अभी होके आए हैं हम अंदर से, और इतना ठंडा ठंडा मतलब रिफ्रेशिंग पानी था ना, मजा आ गया। बस मैं चार पांच बार डूबते हुए बच गया, वो अलग बात है। मेरा दोस्त था एक साथ में, उसको स्विमिंग आती थी, उसने मेरे को बचा लिया। पर मतलब बर्थ द टाइम बर्थ द मनी, बस थोड़े लोग कम होते हैं ना तो embarrassment कम होती है। सारे मैंने पूछा embarrassment कम होती, पर ठीक है, मेरे बाप की जगह थोड़ी है। बढ़िया जगह है यार, मजा आया। ये इतनी हिल रही है ना, मेरे को लग रहा है मेरे मुंह के थ्रू मेरी आतड़ियां बाहर निकल जाएंगी। हालत हो चुकी है गलत खराब, आ तो गए हम, बट एकदम से वो ठंडे ठंडे पानी से निकलने के बाद और कुछ रास्ता वैसा था, और गर्मी इतनी हो रही है तो सर बिल्कुल भिन्ना गया, और अब हालत ऐसी हो रही है कि बस है ही नहीं इच्छा। भाई ने हमें गन्ने का जूस पिलाया, बहुत सेक्सी, मज़ा आ गया पी के, एनर्जी आ गई बिल्कुल। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम सावरवर जाट चौधरी। तो सिंह है, सिंह है। अब बस सीन ये है कि कुछ नहीं जाएंगे यार, पहले कहीं लंच करेंगे और फिर उसके बाद डेड सीन, डेड महकमा होगा बिल्कुल। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।